पिछले क्लास में हमने रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में तो पढ़ा था, साथ ही साथ फॉसिल्स और फॉसिल फ्यूल के भी बारे में. लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल आखिर बने कैसे होते हैं. वैसे तो पहले हम जनरलाइज वे में इसको पढ़ेंगे, फिर सब तीनों को यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे ये फॉसिल्स फ्यूल का फॉर्मेशन होता है. आई होप आप सभी रेडी होंगे इसको जानने के लिए. तो चलिए इसको एक स्टोरी के रूप में समझते हैं. इमेजिन कर लीजिए कि कई साल पहले बहुत सारे पेड़ पौधे इस धरती पे थे और साथ ही कई जानवर भी थे, लेकिन कुछ ऐसा नेचुरल फेनोमेना हुआ जिसके वजह से धरती फट गई या कुछ वजह से सारे के सारे मर गए और धरती में बरीड हो गए, धरती के अंदर गड़ गए. धीरे धीरे कई साल और दबते चले गए और धीरे 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 सैंड उनके ऊपर जमना, डिपॉजिट होना शुरू हो गया या फिर मिट्टी उनके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया. और वो हाई हीट और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगे. उनका जो फॉसिल्स है जो कई साल से दबा हुआ था मिट्टी में, वो धीरे धीरे हीट और हाई प्रेशर की वजह से फ्यूल में बदलने लग जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है फॉसिल्स के फॉर्मेशन का. ठीक वैसे ही इमेजिन कर लीजिए कि समुद्र है, समुद्र में भी कुछ ऐसा हुआ, सुनामियां है, कुछ तो ऐसा हुआ जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगी जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, और वो धीरे 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 वो एनिमल जो है वो धीरे धीरे करके सिंक कर गए और धीरे धीरे वो बॉटम में जाके डिपॉजिट हो गए. अब कुछ साल ऐसे ही वो वहाँ पड़े रहे और धीरे धीरे उनके ऊपर सैंड का लेयर डिपॉजिट होने लगा और वो धरती के अंदर गढ़ते चले गए. और हाई हीट और प्रेशर की वजह से उनका जो फॉसिल्स है वो धीरे धीरे फ्यूल में कन्वर्ट होने लग गया. तो बस इसी तरीके से वो फॉसिल्स फ्यूल बन गया और यहीं से फॉसिल्स फ्यूल का निर्माण होता है. तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियरली समझ में आ गया होगा. इसी को लेंथी वे में बता देंगे, बहुत लिख के बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा. इसको आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक इसी तरीके के प्रोसेस से कोल और पेट्रोलियम का निर्माण होता है, जिसमें प्लांट के फॉसिल से कोल का फॉर्मेशन होता है और एनिमल के फॉसिल से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. नेचुरल गैस कैसे बनता है, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन डिटेल और डेप्थ में पढ़ने के लिए बने रहे मेरे साथ. इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. खुश रहें, स्वस्थ रहें.